हेलो एवरीवन आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर फॉर करंट अफेयर्स जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पॉलिटी का करंट अफेयर बहुत अच्छे से कर लिया आज हम करंट अफेयर करने जा रहे हैं ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस ये कहां पर आता है पीएसआईआर में पीएसआईआर क्या है पोलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन तो पोलिटिकल साइंस क्योंकि आपके सिलेबस में है तो आई अपने आप सिलेबस में आ जाएगा बिकॉज ये करंट का हिस्सा होता है फाइन तो पहला हमारा टॉपिक है आज न्यूक्लियर डिसआर्मोमेंट अब ये टॉपिक क्यों आपके न्यूज में था इसके पीछे एक रीजन ये है क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है 2021 में यानी इसी साल इस साल एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसने ये कहा कि पूरी दुनिया में जो हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स है न्यूक्लियर वेपन है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं यानी जो कंट्रीज है वो अपना स्टॉक पाइल बढ़ा रही है न्यूक्लियर वॉरहेड्स का स्टॉक बढ़ा रही है और ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की स्टॉकहॉम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको हम शॉर्ट में सिप्री एस आई पी आर आई सिप्री टी ट्वेंटी के नाम से भी जानते हैं इसी रिपोर्ट में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज भी किए जिसमें उन्होंने ये कहा सबसे पहले इंडिया की बात की और ये कहा कि इंडिया में 2020 में यानी पिछले साल की शुरुआत में इंडिया के पास डेढ़ सौ न्यूक्लियर वेपन्स थे और अभी 2021 में उनके पास 156 न्यूक्लियर वेपन्स है यानी इंडिया ने भी अपना स्टॉक पाइल बढ़ाया है न्यूक्लियर वॉरहेड्स का इंडिया के अलावा चाइना और पाकिस्तान ने भी बनाया है इसी रिपोर्ट में है साथ में इस रिपोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर वेपन है उसका नाइनटी उसका नाइनटी वो किसके पास है यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया और अगर आपको दुनिया पूछेगा कोई दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास है इट इज रशिया नो डाउट फाइन यूनाइटेड स्टेट से भी ज़्यादा रशिया के पास है नाउ no uh, बिकॉज सारे के सारे कंट्रीज जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज है इंडिया चाइना इवन इसराइल इज़राइल तो क्लियरली यू नो एक्सेप्ट नहीं करता है वो लोगों को एम्बिक्विटी में रखता है कि uh, न, लोग जो सोचे वो सोचे पर इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है uh, और यूनाइटेड स्टेट्स है यूके है रशिया है फ्रांस है तो ये चाइना है ये सारी कंट्रीज है न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज फाइन अब न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज के साथ साथ इन्होंने इन इन इन, इन सारी कंट्रीज ने जब अपना स्टॉक पाइल न्यूक्लियर वेपन का बढ़ाया है हमने ऐसी इंक्रीज जो है नाइनटीन के बाद से अभी तक नहीं देखी है क्योंकि नाइनटीन में आपका कोल्ड वॉर खत्म हो गया जो आपका रशिया और यूएस के बीच में जो कोल्ड वॉर था वो खत्म हो गया तो उसके खत्म होने के बाद भी आपके पास कोई वजह नहीं थी कि आप अपना स्टॉक पाइल क्यों बढ़ाएंगे यू नो दुनिया को ख़त्म करने के लिए आपके पास अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर है उन इस वॉर को एक दो तीन न्यूक्लियर वेपन से भी ख़त्म किया जा सकता है पूरी पूरा देश तबाह हो जाएगा तो आपके पास इतने हज़ारों में है न्यूक्लियर वेपन्स फाइल तो उन्होंने आपस में ये एक काफ़ी सारे कन्वेंशनस भी किए कि हमें अपना स्टॉक पाइल कम करना चाहिए तो उन्होंने काफ़ी सारी ट्रीटीज़ भी आई लेकिन इन कंट्रीज़ ने बिल्कुल नहीं माना और कंटिन्यूसली इनके न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ते गए और पिछले कुछ एक दो सालों में कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है

खरीदने पे इस्तेमाल करने पे बैन लगाया धीरे धीरे फिर आपने ये भी कहा कि आपके पास जो न्यूक्लियर वेपन है उनको कम कीजिए उनको कम कीजिए ऐसे करते करते न्यूक्लियर होती है न्यूक्लियर वेपन की एलिमिनेशन हो सकती है अब ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन सॉप टू एलिमिनेट न्यूक्लियर वेपन इन द फर्स्ट रेजोल्यूशन बाई यू एन जी एन में जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का पहला रेजोल्यूशन पास हुआ है वो पहला रेजोल्यूशन किस लिए पास हुआ था टू एलिमिनेट द न्यूक्लियर वेपन ठीक है सो इट इज द फर्स्ट रेजोल्यूशन जी ए फाइन सो वट आर द टेकन टू अचीव न्यूक्लियर डिसमेंट यानी न्यूक्लियर वेपन को खत्म करने के लिए कम करने के लिए क्या क्या अभी तक स्टेप्स लिए गए हैं पूरी दुनिया में पहला स्टेप है नाइनटीन सिक्सटी थ्री का पार्शल टेस्ट बैन ट्रीटी पार्शल टेस्ट बैन ट्रीटी यानी जब भी न्यूक्लियर वेपन बनाया जाता है उसकी टेस्टिंग होती है और इसी टेस्टिंग के ऊपर बैन लगाई गई है और इसमें इस ट्रीटी में ये लिखा है साफ तौर पर कि न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग ना ही हवा में हो सकती है ना ही जमीन पर हो सकती है ना ही पानी में हो सकती है और ना ही आउटर स्पेस में आप कर सकते हो ठीक है और हम न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग को बैन करते हैं ये है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी उसके बाद एक और ट्रीटी आई आई थी 1970 में न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी या जिसको हम कहते हैं नॉन प्रोलिफर ट्रीटी एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी एनपीटी तो इसमें क्या है इसमें ये यू नो इट्स द बाइंडिंग कमिटमेंट यानी जो भी इसको साइन करेगा उसको ये लिख के देना है कि भाई मैं न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं न्यूक्लियर वेपन्स को सिर्फ और सिर्फ पीसफुल यूज के लिए इस्तेमाल करूंगा आई विल नॉट एक्वायर न्यूक्लियर वेपन आई विल नॉट एक्वायर द न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी मैं सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पीसफुल यूज के लिए इस्तेमाल करूंगा दैट इज योर नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी या नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जिसमें कंट्री जब इसको साइन करती है तो वो कंट्रीज फिर न्यूक्लियर वेपन प्रोक्योर नहीं कर सकती वो कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकती ठीक है हां लेकिन वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है फॉर पीसफुल यूज अब आप बोलेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का पीसफुल यूज कैसे होगा फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी बनाते हैं फाइन वो हम नीचे देखेंगे उसके बाद हमने एक और ट्रीटी लेकर आए हम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी या कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी अब ये ट्रीटी जो है फिर से एक इंटरनेशनल ट्रीटी है दैट बैंड

ट्रीटी ऑन द प्रोबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन टीपीएन डब्ल्यू ट्रीटी ऑन द प्रोबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इट इज कंसिडर्ड द लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट यानी ये, ये ट्रीटी सिंपली कहती है प्रोहिबिट करती है न्यूक्लियर वेपन को बैन करती है न्यूक्लियर वेपन को एक तो हो गया टेस्ट नहीं कर सकते वो था आपका पार्शल टेस्ट बैन ट्रेटी फिर हो गया एक्सप्लोजन नहीं हो सकता किसी भी एनवायरमेंट में आप उसको एक्सप्लोड नहीं कर सकते तो कॉम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर बैन ट्रेटी उसके बाद उन्होंने ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन लाई टीपीएन डब्ल्यू जो ये कहती है कि हम अब न्यूक्लियर वेपन को ही बैन कर रहे हैं टेस्टिंग वेस्टिंग को नहीं एक्सप्लोजन को नहीं न्यूक्लियर वेपन्स को ही बैन किया जा रहा है और ये रिसेंटली पिछले साल इट एंटर्ड इनटू फोर्स और इस साल भी इसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी 2020-21 में ठीक है तो ये काफी नई ट्रीटी है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ये न्यूक्लियर वेपन्स को ही प्रोहिबिट करती है एंड इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट यानी जो कंट्री ये साइन करेगी उसको अपने न्यूक्लियर वेपन्स टोटली एलिमिनेट करने पड़ेंगे ठीक है ये ये आपकी ट्रीटी ऐसी है जो कहती है ना ही आप न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर सकते हो ना ही उनको टेस्ट कर सकते हो ना ही प्रोड्यूस कर सकते हो ना ही एक्वायर कर सकते हो ना ही पोजेस्ट कर सकते हो ना ही स्टॉक कर सकते हो ना ही छट कर सकते हो फॉर द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ठीक है यानी किसी भी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव आपने बैन लगाई है न्यूक्लियर वेपन पे अब ये ट्रीटी जो है क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव बैन लग चुकी है न्यूक्लियर वेपन पे इसीलिए किसी भी कंट्री ने जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है उन्होंने किसी ने भी नहीं इसको जो है इस पे साइन किया इसको जो है रेटिफाई किया किसी ने भी नहीं किया यूनाइटेड स्टेट्स ने नहीं किया इंडिया ने नहीं किया पाकिस्तान ने नहीं किया चाइना ने नहीं किया फ्रांस ने नहीं किया यूके ने नहीं किया रशिया ने नहीं किया किसी भी कंट्री ने नहीं किया जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है फाइन तो ये आपकी उन्ही कंट्रीज ने इस पे साइन किया जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं ओके okay? आगे बढ़ते हैं <clears throat> उसके बाद आपको याद रखना है कॉन्फ्रेंस ऑन डिसमेंट भी होती है इट वॉज ये कॉन्फ्रेंस ऑन डिसमेंट शुरू कब हुआ 1979 में एंड इट इज सिंगल नेगोशिएशन फोरम यानी पहली बार जब यूनाइटेड नेशन में आपने एक पहला स्पेशल सेशन बुलाया था 1978 में वहां पर जो मेंबर्स थे यूनाइटेड स्टेट्स के उनके बीच में ये अग्रीमेंट हुआ कि हमने नो एक कॉन्फ्रेंस भी हमें जो है न्यूक्लियर डिसआर्मेंट करने की जरूरत है न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने की जरूरत है ठीक है लेकिन इन्होंने अभी तक कोई ऐसा सब्सटैंशियल काम नहीं किया है बिकॉज यू नो दे हैव एक्चुअली नॉट बीन एबल टू रीच अ कंसेंसस बिकॉज वो कंट्रीज जिनके पास है न्यूक्लियर वेपन्स वो डिसम करने को तैयार नहीं है फाइन सो so, इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है बहुत ज्यादा पॉपुलर आपका ये सवाल आता रहता है एमसीक्यूज में कि इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है पहली पॉलिसी है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट इंडिया कहता है कि हमें इतने न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए ही चाहिए कि हमारे पास एक क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिटेरेंट हो यानी किसी के साथ भी जंग करने से पहले आपके पास यू नो इतने ज्यादा वेपन हो कि सामने वाला जंग करने का सोचे भी ना फाइन अब देखिए जब से इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की है तब से इंडिया का ना ही चाइना के साथ वॉर हुआ ना ही पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ लाइक ऑल आउट वॉर नहीं हुआ अब बॉर्डर पे पर खिचपिच चलती रहती है बट ऑल आउट वॉर तब से नहीं हुआ हमारा अब चाइना और पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ ऐसे ही इसको हम डिटेरेंट कहते हैं यानी हर कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहती है ताकि उसको दूसरी कंट्री इन्वेट ना करे फाइन सो so, इंडिया की भी पॉलिसी है कि हमारी एक हमारे पास एक क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंट हो दूसरा पॉलिसी क्या इंडिया के पास नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हो गया कि हमारे हमारा जब भी किसी के साथ यू नो झगड़ा हो जाएगा वॉर हो जाएगा चलिए पाकिस्तान के साथ हो गया और इंडिया कहता है कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर हमारा जंग होता है किसी के साथ तो हम कन्वेंशनल वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे जो आपके जो है नॉर्मली जो वेपन्स होते हैं बॉम्ब्स वगैरह लेकिन हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे पहले फाइन लेकिन अगर हम पे न्यूक्लियर अटैक कोई करता है फिर हम उस पर वापस से सेकेंड अटैक करेंगे ठीक है और इंडिया ने अपनी पॉलिसी में क्लियर कर लिखा है कि जब हम फिर यहां से अटैक करेंगे वापस रिवर्स अटैक करेंगे दैट विल बी डिजाइन टू इनफ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज यानी हम इतना डैमेज क्रिएट करेंगे कि वो कंट्री अपने पांव पे खड़ी ही ना हो तो इस ये हम कहते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी यानी हम पहले नहीं करेंगे अब रिसेंटली जब इंडिया और पाकिस्तान का वो चल रहा था क्या इसको कहते हैं स्ट्र, सर्जिकल स्ट्राइक ऑल तब काफी वॉर के नजदीक आ चुके थे हम तब हमारे जो उस वक्त के होम ये थे होम मिनिस्टर तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है आ, अपनी फर्स्ट नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को चेंज भी कर सकता है और हम फर्स्ट यूज पॉलिसी कर सकते हैं और हम पहले ही न्यूक्लियर वेपन डाल सकते हैं पाकिस्तान पे तो ये कहा गया था वर्बली कहा गया था लेकिन ऑन पेपर हमारी जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी उसके बाद इंडिया की एक और पॉलिसी है कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल नहीं करेंगे उन कंट्रीज के खिलाफ जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है ठीक है सो नो यूज ऑफ न्यूक्लियर विल बी डन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट ठीक है और इंडिया जो है हैज इट्स कंटिन्यूड कमिटमेंट टू द गोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड इंडिया जो है न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड देखना चाहता है ग्लोबली फाइन सो दिस इज योर इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट सो so, चैलेंजेस क्या है डिसमेंट में यानी हम न्यूक्लियर डिसमेंट क्यों नहीं कर पा रहे चैलेंजेस क्या है नंबर वन मॉडर्नाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगर हम डिसम करेंगे बाकी कंट्री नहीं करेगी इंडिया बोलेगा चलो अपने वेपन्स में कम करता हूँ डेढ़ सौ से सौ पर लाता हूँ चाइना तो नहीं मानेगा वो फाइन तो चाइना अपने कंटिन्यूस मॉडर्नाइजेशन कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स की यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट्स कर रहा है रशिया पे बोल रहा है कि आप अपने वेपन कम करो लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स खुद रिसेंटली उन्होंने न्यूक्लियर पावर बुलेस्टिक मिजाइल सबमरी बलिस्टिक मिसाइल सबमरीन शुरू की जो सबमरीन से अब न्यूक्लियर वेपन्स निकलेंगे ठीक है ये टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स जो है डिप्लॉय कर चुका है अपने वॉरहेड्स में ऐसे ही ये मॉडर्नाइजेशन जो हो रही है इसकी वजह से डिसआार्मेंट नहीं हो पाएगी दूसरा इसमें कंसेंसस ही नहीं बन रहा है जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो तो मान ही नहीं रहे कि उसको कम करना है जैसे यूएस यूनाइटेड स्टेट्स और जो रशिया है इन दो कंट्रीज ने आपस में कुछ ट्रीटीज साइन की थी जहां पर एक ट्रीटी थी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी जब आप मिसाइल टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी में हमारे पास अलग अलग टाइप के मिसाइल होते हैं एक होता है शॉर्ट रेंज मिसाइल दूसरा होता है मीडियम रेंज मिसाइल तीसरा होता है इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल चौथा होता है इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मिजाइल ठीक है इंटरकॉन्टिनेंटल फिर होती है आपकी मिजाइल्स में कभी होती है आपके पास क्या इसको बोलते हैं क्रूज मिजाइल कभी होती है बलिस्टिक मिजाइल कभी होती है हमारे पास एयर टू एयर मिसाइल कभी होती है एयर टू सरफेस मिसाइल कभी होती है सरफेस टू एयर मिसाइल कभी होती है सरफेस टू सरफेस मिसाइल ठीक है आपको इतना तो नहीं पढ़ना है बस सिंपली मैं ये बता दूं कि हमारे पास अलग अलग, अलग रेंज की मिसाइल्स होती है शॉर्ट रेंज मिजाइल होगी सपोज अगर आपके पास कोई थिएट्रिकल मिसाइल है थिएट्रिकल मिसाइल होगी कि वो मिसाइल निकलेगी सो डेढ़ सौ किलोमीटर तक उसका टारगेट होगा दूसरा होगी आपके पास जैसे आपके पास है शॉर्ट रेंज मिसाइल उसका जो शॉर्ट रेंज की जो रेंज होती है वो हजार किलोमीटर तक की होती है दूसरा होता है हजार से ढाई हजार या हजार से तीन हजार किलोमीटर वो होती है मीडियम रेंज मिसाइल फिर तीन हजार से ज्यादा पांच हजार किलोमीटर तक होती है इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल और पांच हजार किलोमीटर से अलावा या पचपन सौ किलोमीटर से अलावा जो मिसाइल निकलेगी इंडिया यहां पर है और इंडिया ने कोई मिजाइल डाली जो फिफ्टी किलोमीटर आगे निकल के अपने टारगेट को स्ट्राइक करेगी ऐसी तो, इंटरकॉन्टिनेंटल में रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने आपस में ये ट्रीटी साइन की थी आई एन एफ ट्रीटी आई एन एफ या आई एन एफ ट्रीटी क्या है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी ये है आपकी आई एन आई आई एन एफ ट्रीटी आई एन एफ ट्रीटी इन्होंने साइन की थी 1988 में। कब? 1988 में जहां पर उन्होंने ये कहा कि इंटरमीडिएट रेंज वाली जो हमारे पास है, क्रूज है, हम उसका इस्तेमाल आपस में नहीं करेंगे उसको हम कम कम करेंगे भाई, ऐसे उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी आ, स्टार्ट ट्रीटी हम कहते हैं स्टार्ट, इसका एक और नाम है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी आपस में यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया ने आपस में ये स्टार्ट ट्रीटी शुरू की ताकि आपस में उनके जो आर्म्स रिडक्शन है वो शुरू हो जाए यानी अपने आर्म्स को कम करने की बात की गई फाइन अब ये ट्रीटी खत्म होने वाली है 2021 में अब यूनाइटेड स्टेट्स उससे निकल गया पहले ही तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है न्यूक्लियर अग्रीमेंट जो ऑलरेडी साइन कर चुका था आई साइन कर चुका था स्टार्ट साइन कर चुका था वो उससे बाहर निकल चुका है इसकी वजह से अब सामने वाली कंट्री अब रशिया क्यों मानेगा अगर यूएस बाहर निकल चुका है तो रशिया तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा फाइन ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान न्यूक्लियर डील से भी विदड्रॉ कर लिया आपने देखा कैसे उन्होंने विद्रॉ किया आ, जो आपका ये है ट्रम्प ने फाइन तो ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो उन्होंने बनाया था ईरान में ईरान न्यूक्लियर डील जिसको हम कहते हैं तो वहां से भी विद्रॉ कर लिया यूनाइटेड स्टेट्स ने तो यूनाइटेड स्टेट्स जब विदड्रॉ कर रहा है तो इसमें कंसेंसस बनना अब मुश्किल है चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है चाइना कंटिन्यू अपने न्यूक्लियर पाइल को एक्सपैंड कर रहा है पाकिस्तान कर रहा है तो इंडिया कैसे पीछे रह सकता है तो इसमें डिसमेंट तो नहीं हो पाएगी कोविड नाइन्टीन के इम्पैक्ट से भी हमने देखा चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के जो बायोलैट्रल टाइज है उसमें दूरियाँ आ गई यू नो यूनाइटेड स्टेट्स ऑन सिंह इट्स अ चाइनीज वायरस और उन्होंने चाइना पे डाल दिया और चाइना कहता है कि हमने कुछ नहीं किया ये यूनाइटेड स्टेट्स से लीक हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ लोग यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे और वहीं से ये लीक हुआ जिसको हम कहते हैं लैब लीक हाइपोथेसिस लैब लीक हाइपोथेसिस ठीक है जिस पर अभी भी काम चल रहा है कि ये सच में एक आर्टिफिशियल पेंडेमिक क्रिएटेड पैंडेमिक तो नहीं है भाई ऐसे ही uh, जो चाइनी चाइना चाइना के का जो एक्सपेंशन हो रहा है चाइना का जो 2049 का मॉडल है यू नो टू एक्चुअली रिप्लेस यूनाइटेड स्टेट्स टू बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड 2049 तक तो चाइना का जो ये एक्सपेंशनिज्म है इसको काउंटर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने क्वाड बनाया क्वाड बनाया तो क्वाड क्या है क्वाड है कुछ कंट्रीज का मिला सिस्टम जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया मिलकर एक क्वाड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बना रहे हैं किसको काउंटर करने के लिए चाइना को काउंटर करने के लिए ठीक है तो ये जो न्यूक्लियर एक्टिविज्म हो रहा है यहाँ से क्वाड बन रहा है वहां से चाइना का अपना ब्लॉक है तो इसकी वजह से न्यूक्लियर डिसमेंट होना मुश्किल है कैन बी डन टू टू यू डू नॉट नीड स्टडी दिस आप खुद भी इसमें पढ़ सकते हैं ये मेंस के लिए कुछ सजेशन हमें देनी पड़ती है उसके बाद है आपका सेकेंड इंडिया सिविल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी ओके एक मिनट वाटर तो इंडिया की सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन क्या है सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन हो गया कि आपने न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना है फॉर 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 सिविलियन यूज यूज पीसफुल द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाई अब आप न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों बनाएंगे तो काफी ज्यादा डेंजरस होता है बिकॉज ये एक क्लीन एनर्जी देती है आपको इसमें पोल्यूशन इस नहीं होता जैसे थर्मल पावर प्लांट है उसमें आपको जो फॉसल फ्यूल्स को बर्न करके पावर जनरेशन करना पड़ता है इसमें ऐसा बिल्कुल भी सिस्टम नहीं है यू आर यूजिंग द पावर यू आर यूजिंग द एनर्जी ऑफ एन एटम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करके आप जो है क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो बाय बाय यूज यूज द ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फाइन तो इंडिया ने जो सिविल सिविलियन इस्तेमाल के लिए सिविलियन यूज के लिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है uh, इस्तेमाल का, काम में लाने का शुरुआत की है उसके साथ इंडिया ने किस किस कंट्री के साथ कॉपरेशन की है अब रिसेंटली रशिया जो है इसमें इसमें सबसे आगे है आपने सुना होगा आपने चरनोबिल हो ये रशिया में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसमें एक्सीडेंट एक हुआ था और अभी भी तीस साल हो चुके हैं और आज भी चेरनोबिल जाने से लोग डरते हैं बिकॉज आज भी वहां पर वो रेडिएशन चल रही है ठीक है जो तीस साल पहले वहां पर एक न्यूक्लियर डेटोनेशन हुआ था एक पावर प्लांट से सो so, ये काफ़ी डेडली होता है काफी डेंजरस होता है इसीलिए हमें इसमें एक्सपर्टीज चाहिए और रशिया के पास अच्छा खासा एक्सपर्टीज़ है और हमने रशिया के साथ कोलैबोरेशन की है कोऑपरेशन की है ताकि इंडिया में भी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से यू नो जन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सके फॉसिल फ्यूल की बर्निंग कम कर सके पोल्यूशन पे कंट्रोल कर सके तो क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सके फाइन तो रशिया में एक uh, बहुत बड़ी जो है वहाँ की एक कंपनी है नोन एज रोसेटम 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 ने रिसेंटली इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में एक नया पावर प्लांट बनाना शुरू किया जिसका नाम है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है तमिलनाडु में है अब ये रोसैटम ने शुरू किया किसके साथ किसके साथ कोलाबोरेशन करके इंडिया के एन के साथ एनपीसीएल क्या है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल फाइन और ये क्या है इट इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फाइन तो रोसैटम ने मिलकर एनपीसी के साथ क्या किया कुम कुडनकुलम कुडनकुलम पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन शुरू की तमिलनाडु में फाइन और ये एनपीसी किसके अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये सारी चीजें याद रखना यही से क्वेश्चन आता है उसके बाद अब ये तो न्यूज में था अब हम देखेंगे इंडिया में कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में है कौन कौन सा अभी ऑपरेशनल है जैसे न्यू दिल्ली में हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे पास है नरोरा अटोमिक पावर स्टेशन उसके बाद राजस्थान में हमारे पास है रज... राजस्थान अटोमिक पावर स्टेशन फिर गुजरात में है हमारे पास ककरापर अटोमिक पावर स्टेशन फिर महाराष्ट्र में है तारापुर अटोमिक पावर स्टेशन कर्नाटका में है कायगा जनरेटिंग स्टेशन आपका तमिलनाडु में दो है मद्रास अटोमिक पावर स्टेशन और है कुडनकुलम जो अभी कंस्ट्रक्शन जिसकी चल रही है फाइन तो इंडिया ने इस सिविल यू नो सिविलियन यूज के लिए पीसफुल यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन अलग अलग कंट्रीज के साथ की है चौदह कंट्रीज के साथ की है स्टार्टिंग फ्रॉम अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया कैनाडा रिपब्लिक फ्रांस जापान कजाकिस्तान मंगोलिया नमीबिया रशिया साउथ कोरिया यूनाइटेड किंगडम यूएस एंड वियतनाम इन कंट्रीज के साथ हमने कोलापरेशन कर रखी है फॉर द सिविलियन यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फाइन अब आपको एक चीज याद रखनी है इन्होंने एक ग्रुप बनाया था एनएसजी एनएसजी क्या है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ये वो कंट्रीज का ग्रुप है जिन्होंने जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज है जो क्या है न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज है और इसने कहा इस एनएसजी में ये लिखा गया है कि न्यूक्लियर वेपन कंट्री हम उसी को मानेंगे जो 1967 में ऑलरेडी एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन चुकी थी अब इंडिया ने तो न्यूक्लियर टेस्टिंग बहुत बाद में की ठीक है इंडिया ने जो है उसमें इंडिया ने जो स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया था स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन किया था उसमें पोखरण टेस्ट किए थे हमने ये तो बहुत बाद में हुए थे पोखरण टेस्ट एंड स्माइलिंग बुद्धा ठीक है तो इंडिया अकॉर्डिंग टू एन इंडिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन है दैट आर इलीगल पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन है दैट आर इलीगल इसराइल के पास जो न्यूक्लियर वेपन है दैट आर इलीगल फाइन क्योंकि न्यूक्लियर वेपन कंट्री आज हम लीगली अकॉर्डिंग टू दिस इंटरनेशनल लॉ जो भी उन्होंने बनाया है आ, वो यही है कि न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज से वो कंसिडर की जाएगी जो नाइन में न्यूक्लियर वेपन थी जिसके पास न्यूक्लियर वेपन थे तो एनएस जी उन्ही, उन्हीं कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें चाइना है रशिया है यू नो ये है आपका यूनाइटेड स्टेट्स है यूके है फ्रांस है तो एन ग्रुप ने ये न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बनाया जिसमें ये आपस में ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यू नो ट्रेड कर सकते हैं और एनएसजी ग्रुप से बाहर किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई नहीं करेंगे ठीक है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई नहीं करेंगे जो एनएसजी में होगा उसी को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ वो दे सकते हैं अब इंडिया एनएसजी के बाहर है इंडिया इसका मेंबर नहीं है इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन बाद में आए तो इंडिया एनएसजी से बाहर है तो होना तो ये चाहिए था कि इंडिया को भी कोई चीज ना दी जाए इंडिया के साथ भी कोई कोलैबोरेशन ना हो न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर कोऑपरेशन इंडिया के साथ ना हो है ना क्योंकि इंडिया जो है एनर्जी से बाहर है पर नहीं इन्होंने इंडिया के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट की है बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स चाइना को काउंटर करना चाहता है और उनको इंडिया से अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा और उन्हें इंडिया को एक एक्सेप्शन दी कि हम किसी के साथ भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे सिवाय इंडिया तो इंडिया को इंडिया के साथ कॉपरेशन चल रही है जो इंडिया के साथ कॉपरेशन करेगा उस पर सैंक्शन नहीं लगेंगे फाइन तो इंडिया को एक आ, वेव ऑफ दिया गया है वेवर दिया गया है ठीक है तो इंडिया ने इंडिया एनर्जी से बाहर होने के बावजूद न्यूक्लियर कोऑपरेशन कर सकता है किसी कंट्री के साथ फाइन इवन बीइंग आउटसाइड द एम्बिट ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एंड इंडिया ने एनपीटी भी साइन नहीं किया है इंडिया नॉट बीइंग अ सिग्नेटरी टू एनपीटी एंड ऑपरेटिंग आउटसाइड दू नो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ना ही इंडिया एनएस जी का मेंबर है ना ही इंडिया ने एनपीटी साइन किया है क्योंकि एनपी टी में नॉन प्रोलिफरेशन होगी नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब है कि आप कहीं से जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं लेंगे फाइन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं लेंगे इंडिया ने कहा नहीं हमें साइन नहीं करना हमें तो लेनी है हमें तो जरूरत है ना ही इंडिया ने एनपीटी साइन किया ना ही इंडिया एनएस जी का मेंबर है और एनएस जी का मेंबर बनने के लिए एनपीटी साइन करना पड़ेगा फाइन तो इंडिया इंडिया का थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है इंडिया के पास ये कौन सा न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है या वॉर वॉर के लिए नहीं है ये सिविलियन यूज के लिए सिविलियन यूज के लिए इसका पायनियर कौन है इंडिया में होमी जे बाबा उन्होंने ये शुरू किया उन्हीं का ये विजन था इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का तो इंडिया में तीन स्टेज का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है जिसमें स्टेज वन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं स्टेज वन में हम इस्तेमाल करते हैं हैवी वाटर रिएक्टर्स क्या क्या इस्तेमाल करते हैं हैवी वाटर रिएक्टर्स हैवी वाटर रिएक्टर्स जिसको हम कहते हैं पी एच डब्ल्यू आर पी एच डब्ल्यू आर पी एच डब्ल्यू आर हो गया प्रेशराइज प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं इसमें हम इस्तेमाल करते हैं नेचुरल यूरेनियम और इस नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करके इन हैवी वाटर रिएक्टर्स में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ से आपने नेचुरल यूरेनियम इस्तेमाल किया इस हैवी वाटर रिएक्टर में और यहां आपको क्या मिली इलेक्ट्रिसिटी तो ये इलेक्ट्रिसिटी है ये याद रखने की जरूरत नहीं है फाइन लेकिन इस हैवी वाटर रिएक्टर में आपके पास कुछ यूरानियम बच जाता है जिसको हम डिप्लीटेड यूरानियम कहते हैं और ये कुछ यूरानियम चेंज हो जाता है टू प्लूटोनियम फिर ये प्लूटोनियम और डिप्लीटेड यूरेनियम का आप जाया तो नहीं करेंगे इट्स तो एलिमेंट तो आप क्या करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं इन द सेकेंड स्टेज सेकेंड स्टेज क्या है ये दूसरा आपके पास रिएक्टर होता है जिसको हम कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या कहते हैं पीयू प्लूटोनियम फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो क्या इस्तेमाल करता है प्लूटोनियम को जनरली इस्तेमाल करता है और कुछ थोरियम को भी इस्तेमाल करता है तो इसका मेन फ्यूल कौन सा है मेन फ्यूल इसका प्लूटोनियम है तो सेकेंड स्टेज में टेकिंग प्लूटोनियम फ्रॉम हेवी वाटर रिएक्टर्स एंड सम ऑफ थोरियम आपके पास इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं दैट इज द सेकेंड स्टेज फाइन फिर थर्ड स्टेज में आप क्या इस्तेमाल करते हैं थर्ड स्टेज में आप जनरली थोरियम इस्तेमाल करते हैं और कुछ यूरेनियम यहां से इस्तेमाल करते हैं मेजोरिटी थोरियम इस्तेमाल होता है फ्यूल्ड ब्रीडर्स में किसमें यूरेनियम 233 थर्टी थ्री फ्यूअल्ड में इसमें यूरेनियम 233 आपका निकल के जो बाहर आता है वो आप ऊपर वाले बाकी के पावर प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं फाइन तो मिक्स ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम फ्यूल्स का रिएक्टर इसमें इस, इस रिएक्टर को फ्यूल कौन करता है थोरियम भी और यूरेनियम भी तो अब आपको याद रखना है आपके पास इंडिया में थ्री स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम क्या क्या है स्टेज वन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं हैंवी वाटर रिएक्टर्स जिसमें क्या इस्तेमाल होता है नेचुरल यूरेनियम नेचुरल यूरेनियम स्टेज टू में हम क्या इस्तेमाल करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स जिसमें क्या इस्तेमाल होता है प्लूटोनियम प्लूटोनियम और स्टेज थ्री में हम क्या इस्तेमाल करते हैं एडवांस न्यूक्लियर पावर सिस्टम जिसमें हम यूटिलाइज क्या करते हैं जनरली थोरियम ठीक है thorium, बाकी की चीजें भी होती है दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बींग यूज इन इंडियाज थ्री स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम ओके okay. उसके बाद आपको याद रखना एनएस जी जैसे मैंने कहा एनएस का, का ग्रुप बनाया गया था 1974 में इंडिया इसका मेंबर नहीं है 1974 में कब बनाया गया जब इंडिया ने पोखरन वन टेस्ट किया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत फाइन इंडिया का स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन था उसके बाद इंडिया में व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर एंगेजिंग इन द कॉपरेशन इंडिया क्यों न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन करना चाहता है ये मेन्स का क्वेश्चन है ये इस इस पे एम नहीं आएगा एम सी क्यू इस पे आ सकता है कि इंडिया ने किस किस के साथ अभी तक कोलैबोरेशन की है ठीक है ये मैं आपको दिखाता हूं देखिए आई होप यू आर एबल टू सी दिस क्लियरली चलिए तो इंडिया का मेजर सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन प्रोग्राम्स इंडिया ने सिविलियन यूज uh, के लिए एनर्जी कोऑपरेशन किसके साथ की है न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन सबसे पहली कोऑपरेशन इंडिया और फ्रांस ने की 1950s में ही इंडिया ने यू you नो know, इंडिया का जो है एनर्जी कॉपरेशन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन फ्रांस के साथ शुरू हो चुका था फाइन फिर तो 1974 में जब हमने पोखरन वन टेस्ट किया तो फ्रांस इज दी वेस्टर्न कंट्री जिसने हमें उस उस इवेंट पे कमेंट किया जिसने हमें सपोर्ट किया फ्रांस इज दो वेस्टर्न कंट्री जिसने हमें 1974 वाले न्यूक्लियर टेस्ट पे थोड़ा बहुत कमेंट किया ठीक है और फ्रांस ने रिसेंटली 2008 में इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू साइन अ न्यूक्लियर अग्रीमेंट विद इंडिया ठीक है तो इंडिया जो को जो एन वेवर दिया गया है एनएस वेवर जो इंडिया को मिला है जो मैं ऊपर आप आपको समझा रहा था कि वो एन का मेंबर नहीं होने के बाद भी कोऑपरेशन न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन कंट्रीज के साथ कर सकता है uh, तो इसके बावजूद सबसे पहले किसने किया 2008 में uh, फ्रांस पहली कंट्री बनती है जो इंडिया के साथ ये साइन करती है फाइन फिर इसमें इन्होंने क्या क्या शुरू किया इसमें इन्होंने प्रेशराइज रिएक्टर्स बनाए इस फ्रांस यू नो छाइज रिएक्टर्स बनाए और जैतापुर में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बनाया तो ये सब सारी चीजें हो, चुक, हो चुकी है रिसेंटली फ्रांस एनर्जी कंपनी ईडीएफ हैज सबमिटेड अ बाइंडिंग टेक्नो कमर्शियल ऑफर टू न्यूक्लियर पावर एनपीसीएल टू बिल्डिंग सिक्स दी सिक्स रियक्टर्स तो वो फिर से छ रिएक्टर बनाने जा रहे हैं इंडिया में फ्रांस और एनपीसीआईएल मिलकर फिर है दूसरी कंट्री जिसके साथ हमने न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन की है वो है रशिया तो इंडिया और रशिया की जो न्यूक्लियर कॉपरेशन है डेट्स बैक टू तब इंडिया और सोवियत यूनियन आपस में बहुत नजदीक था ठीक है तो सोवियत यूनियन के साथ मिलकर उन्होंने 2008 में कुदनकुलम तमिलनाडु का न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन शुरू की फाइन उसके बाद है आपका दे बोथ अग्री टू कंसिडर कोऑपरेशन ऑन द पीसफुल यूज ऑफ एनर्जी विद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक इंडिया Signing a tripartite agreement with Russia, Bangladesh to work together on the Rupur nuclear power plant in Bangladesh. तो Bangladesh में जो power plant बन रहा है, uh, civilian energy के, uh, you know, civilian use के लिए उसमें India की भी partnership है। तो tripartite agreement है, fine। उसके बाद है आपका United States के साथ हमारा agreement, इसको one-two-three agreement भी कहते हैं। तो United States ने जो uh, New Delhi को energy waiver दिया है तो उसके तहत उन्होंने ये वेबर कब दिया इंडिया को 2008 में और 2008 में ही फ्रांस ने वो शुरू कर दिया था उनके साथ फिर उसी उसी टाइम सोवियत यु, ने भी किया और 2009 में इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद आई ए आई ए इंडियन सेफ गार्ड कॉल्ड कॉल द इंडियन सेफ गार्ड अग्रीमेंट सब्जेक्टेड इंडिया विच सब्जेक्टेड इंडिया टू आई ए स्टैंडार्ड फाइन तो आई ए ई ए स्टैंडार्ड Uh, क्या है ये आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं उसके लिए गाइडलाइन सेट करते हैं और उनका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और इंडिया ने 2009 में इंडियन सेफ गार्ड अग्रीमेंट के तहत वो आई के अंडर आएगा जिसमें अब आई के सेफ इंडिया पर अप्लाई होंगे फाइन फिर इंडिया और जापान की न्यूक्लियर अग्रीमेंट भी हो चुकी है दो में और दो uh, में ठीक है वो दो में इंडिया का अग्रीमेंट एनफोर्स uh, हो चुका है इंडिया जापान का अग्रीमेंट अग्रीमेंट क्या है कॉपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फाइन सो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्लॉज भी है ये आपको एग्जाम में आ सकता है नलिफिकेशन क्लॉज नलिफिकेशन क्लॉज ये नलिफिकेशन क्लॉज क्या है यानी इंडिया जापान ने कहा है कि हम दोनों में से कोई भी अगर न्यूक्लियर टेस्ट करेगा कोई भी अगर न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करेगा टेस्टिंग करेगा तो ये nullification clause के तहत हमारा जो पीसफुल एग्रीमेंट है nuclear energy cooperation का वो खुद बखुद nullify हो जाएगा ठीक है 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 तो में में आ आ सकता सकता इंडिया हैज ए नलिफिकेशन क्लॉज विद जापान या आपको बोलना है ट्रू है फॉल्स है क्या है ठीक है तो ये हो गया आपका इंडिया जापान ओके आगे बढ़ते हैं <coughs> ज्यादा याद हो गया उसके बाद ये कुछ कॉन्सेप्ट uh, है यू नो व्हाट कैन बी डन टू ओवरकम दीज चैलेंजेस कुछ रिकमेंडेशन है यू डू नॉट नीड टू स्टडी यहाँ से एमसीक्यू नहीं आता है उसके बाद है, हमारे कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस सी ओ तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है पहले आपको बताना न्यूज में क्यों थी न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इसकी रिसेंटली सिक्सटीन मीटिंग हुई है सिक्सटीन मीटिंग हुई है तो सिक्सटीन मीटिंग जो इसकी सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की हुई है इस एस का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसकी वजह से आपको ये याद रखना है एस क्या क्या है ठीक है रिसेंटली जो इसकी सिक्सटींथ मीटिंग हुई है ये कहाँ पे हुई ताजिकिस्तान में और ताजिकिस्तान इस वक्त इसका करंट प्रेसिडेंट है ठीक है तो ताजिकिस्तान इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ एस सी ये क्वेश्चन में आ सकता है तो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन शंघाई बेस्ड इन शंघाई इसका करंट प्रेसिडेंट अभी ताजिकिस्तान है फाइन और और इस इवेंट में उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर उन्होंने अग्री किया कि हमें जो है कॉपरेट करने की जरूरत है टेररिज्म को खत्म करने के लिए रिलीजियस रेडिकलिज्म को खत्म करने के एक्सट्रीमिज्म सेपरेटिज्म को खत्म करने के लिए और इस इस इवेंट में उन्होंने अफगानिस्तान पे भी काफी ज्यादा जोर दिया कि अफगानिस्तान में जो ये सिविल वॉर होने का खतरा है बिकॉज तालिबान इज़ टेकिंग ओवर द कंट्री और वहाँ से अफगान फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आर फाइटिंग बैक तो इसकी वजह से यू नो लीकेज ना हो उस आस पास की कंट्रीज़ में आ, वो उसमें वॉर ना फैल जाए तो ये स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है अफगानिस्तान पे और साथ में साइबर क्राइम जो हो रहा है अभी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है बायोलॉजिकल सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी का जो इशू है इस पर भी उन्होंने बात की तो बात तो कर ली अब आपका क्योंकि ये न्यूज में था आपको एस के बारे में पता होना चाहिए कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या तो सबसे पहले इसका वर्किंग स्ट्रक्चर समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले इसमें एक काउंसिल आता है जिसको हम कहते हैं हेड्स हेड्स ऑफ ऑफ स्टेट स्टेट काउंसिल काउंसिल फाइन ये एच हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल दिस इज द दाइस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी तो क्वेश्चन में ऐसा भी आता है विद रेफरेंस टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल इज द हाइस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी दूसरी स्टेटमेंट आएगी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल डिज स्ट्रैटी एंड मल्टीलैटरल कॉपरेशन ठीक है ये आपका स्टेटमेंट्स में सवाल आता रहता है तो हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल इज द हाएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उसके बाद एक और काउंसिल हैड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल ये जो है मल्टीलैटरल ट्रिटीज कॉपरेशन के लिए स्ट्रेटीज बनाता है उसके लिए डिस्कशन करता है लेकिन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को एस एच एस सी ही है उसके बाद इसमें एस सी ओ का बिजनेस काउंसिल है फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन और इसमें इंटर बैंक कंसोर्शियम भी है फॉर एक्सपेंडिंग द बैंकिंग सर्विसेज यानी आपके एस सी ओ के अंदर ये सिर्फ मिलिट्री के लिए उन्होंने नहीं बनाया है इसमें इकोनॉमिक कॉपरेशन भी है इसमें जो है बैंकिंग कॉपरेशन भी है इसमें मिलिट्री कॉपरेशन भी है फाइन पॉलिटिकल कॉपरेशन भी है इसमें सारी कॉपरेशन और इसके अंदर टू परमानेंट बॉडीज है याद रखना कौन कौन सी परमानेंट बॉडी है एस सी ओ के अंदर एक है आपकी द सेक्रेटेरिएट और दूसरे आपकी द रीजनल रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स हम कहते हैं तो द सेक्रेटेरिएट यहां से और यहां से रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ठीक है दीज आर द टू परमानेंट बॉडीज ऑफ एस सी ओ कब बना इट वॉज फाउंडेड इन शंघाई इन टू थाउजेंड वन एस सी ओ क्यूँ बना बिकॉज एस सी ओ से पहले हमारे पास शंघाई फाइव हुआ करता था ये हमारा ग्रुप था शंघाई फाइव जिसमें कौन कौन सी कंट्री थी इसमें चाइना था कजाकिस्तान था किर्गिस्तान था रशिया था ताजिकिस्तान था फिर रिसेंटली 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बना तो हमने इसको एस बना लिया जो है आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अब इंडिया भी इसका पार्ट है और पाकिस्तान भी इसका पार्ट है आफ्टर टू थाउजेंड सेवेंटीन ओके रिलिवेंस फॉर इंडिया यानी ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एस सीओ इसलिए है बिकॉज इसमें कौन कौन से मेंबर्स है इंडिया इसका मेंबर है रशिया इसका मेंबर है चाइना इसका मेंबर मेंबर है है पाकिस्तान इसका यानी दुनिया में जो चार न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज है वो इस शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है ठीक है और इसमें से दो ऐसे मेंबर्स है रशिया और चाइना जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी है यूनाइटेड नेशन में तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है ये इतनी ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है कि शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नेटो के काउंटरवेट के तरह बनाया गया था जो नेटो आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट में उसके अगेंस्ट आपका एस बनाया गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और इसका कहा जाता है जितना इसने जमीन यानी लैंड मार्क्स जो इसका है क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज है रशिया है इंडिया है चाइना है पाकिस्तान है पाकिस्तान भी इट इज वन ऑफ द सेवेंथ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट यू नो न्यूक्लियर एनर्जी में काफी स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान तो ऐसी पावरफुल कंट्रीज जब एस का हिस्सा बनी तो एस का जो लैंड लैंडमार्क है दैट इज ग्रेटर देन द नेटो ईस्टर्न नेटो से भी ज्यादा लैंड लैंडमार्क इन्होंने कवर किया है और एस के अंदर आपकी वर्किंग लैंग्वेज कौन कौन सी है रशिया और मैंडरन ये इसकी वर्किंग लैंग्वेज है रशियन लैंग्वेज और चाइनीज चाइना में मैड्रेन चलती है ठीक है और एस अकाउंट्स फॉर ट्वेंटी ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी जीडीपी याद होगा इकोनॉमी वाले लेक्चर में देख लेना तो दुनिया भर का जो ग्लो ग्रॉस ग्लो, ग्लो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका ट्वेंटी शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रीज uh, है वहां से आती है और 43 थ्री ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन तो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 43 परसेंट ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन रहती है तो इसमें एक कॉन्सेप्ट uh, है शंघाई स्पिरिट का क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज शंघाई स्पिरिट शंघाई स्पिरिट है कि इन कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट हो म्यूचुअल बेनिफिट हो इक्वालिटी हो कंसल्टेशन हो रेस्पेक्ट हो एक दूसरे का और कॉमन डेवलपमेंट की तरफ काम किया जाए और इंडिया पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बने कब 2017 में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपको याद रखने हैं फाइन बाकी जो ये चैलेंजेस है दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू सिंस स्टिल यू कैन गो थ्रू इट जो के एस के लिए पढ़ रहे हैं वो इसमें दे कैन गो थ्रू द इम्पोर्टेंट चैलेंजेस फाइन तो मैं फिर भी ऊपर uh, ऊपर से आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पर <coughs> शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिलिवेंस मैंने आपको बता दी इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज पार्टिसिपेशन इन्होंने रिसेंटली इवेंट किया उसमें कहा कि अफगानिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स में हम पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली और उसके लिए उन्होंने एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप भी बनाया है जो अब जाके दो से वो सस्पेंडेड था और अब जाके उसने काम करना शुरू किया दो से और ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप है ये इंडिया को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देने वाला है अफगानिस्तान के पॉलिटिकल डायनेमिक्स में पार्टिसिपेट करने का बिकॉज हमने देखा कि जब से यूनाइटेड स्टेट्स वहां से अफगानिस्तान से निकला है इंडिया और अफगानिस्तान इंडिया और तालिबान की रिलेशनशिप में काफ़ी ज्यादा खटास आई है बिकॉज इंडिया वॉज सपोर्टिंग द अफगान गवर्नमेंट जिसकी वजह से तालिबान वॉज नॉट हैप्पी विद इंडिया ठीक है तो बिकॉज इट्स इट्स अ फैक्ट दैट तालिबान विल टेक ओवर द कंट्री और अगर पूरी कंट्री नहीं बट चलो आधी ही कंट्री वो ले लेंगे बिकॉज एटी फाइव परसेंट से ज्यादा तो अभी तालिबान के अंडर है तो वी हैव टू स्टार्ट नो नेगोशिएटिंग विद तालिबान उनको एक टेबल पे बिठाना है उनके साथ एक नो you नेगोशिएटिंग know, टेबल पे हमें बात करनी है और पीसफुल रिलेशनशिप्स में ट्रेड uh, में स्ट्रेटेजिक uh, रिलेशनशिप्स में हमें आगे जाने की जरूरत है दैट इज वट शंगई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को दे सकता है दैट इज अ प्लेटफॉर्म इन अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप ठीक है तो दैट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ इंडिया विद अफगानिस्तान ओके सो so, चैलेंजेस क्या है चैलेंजेस एस में सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना की डोमिनेंस बिकॉज चाइना इसका यू नो इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कंट्री है और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसमें एस सी ओ यानी शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उसने चाइना का वन बेल्ट वन रोड वाला ओबार जो है या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना बना रहा है नया सिल्क रोड उसमें सारे मेंबर्स उसके पार्ट है रशिया भी है पाकिस्तान भी है ताजिकिस्तान किर्गिस्तान ये सारी कंट्रीज कजाकिस्तान लेकिन इंडिया नहीं है ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है रशिया पाकिस्तान चाइना एक्सिस यानी एस में क्योंकि रशिया भी है पाकिस्तान भी है चाइना भी है इंडिया भी है लेकिन इंडिया अलग से है वाई बिकॉज रशिया चाइना और पाकिस्तान एक मुट्ठी बनाकर बैठे पड़े हैं और इनकी आपस की कॉपरेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है इसकी वजह से इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ देखना पड़ता है फाइन Uh, ये है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स उसके बाद वे अड क्या है मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमें जो है एस सी ओ को यू uh, नो you know, uh, uh, जो है उसमें कंट्रीज़ की ऑटोनॉमी देखनी चाहिए चाइना की डोमिनेंस कम होनी चाहिए और इंडिया को भी अलग अलग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स शुरू करने चाहिए और इंडिया विल नॉट एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इट्स इट्सिनटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और वो अगर इंडिया को मिलता है तो इंडिया कैन सी एस सी ओ एज अ नो ऑल्टरनेटिव टू नेटो उसके बाद है इंडिया के पास कंस्ट्रक्टिवली एंगेज विद पाकिस्तान इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है और पाकिस्तान के साथ भी कोई ऑप्शन नहीं है दे हैव टू स्टार्ट एंगेजिंग विद ईच अदर बायलैटरल डिफरेंसेस को खत्म करना है क्योंकि एस में क्लियर कट उसका मैंडेट ये है कि कंट्रीज के बीच में जो भी बायलैटरल डिफरेंसेस है उसको हम हेंडर नहीं करने देंगे हमारी डेवलपमेंट को ठीक है तो आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो हम डायलॉग से खत्म कर सकते हैं इंडिया कैन प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन रिवाइटलाइजिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चाबाहर पोर्ट जो ओपन होगा एंट्री ऑफ अशबगात अग्रीमेंट नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट इंडिया हैव अ स्ट्रॉगर प्रेजेंस इन यूरेशिया ठीक है ये दिस इज नॉट मच इम्पोर्टेंट आंसर राइटिंग में हमें लगता है सो so, हमारा इंटरनेशनल रिलेशन हो चुका है नेक्स्ट है हमारा इकॉनमी डू वन थिंग इकोनॉमी शुरू हम नहीं करेंगे एंड यू विल नॉट रीड इकोनॉमी अभी जब मैं बोलूंगा तब हम इकोनॉमी पढ़ लेंगे इकॉनॉमी मैं यहां से निकाल रहा हूं ठीक है इस इकॉनॉमी को मैं अलग से पढ़ाना चाहता हूँ फाइन सो तो इकॉनमी फिलहाल हम करंट अफेयर से बाहर निकाल रहे हैं और अलग से हम इकॉनॉमी पढ़ाएंगे आपको तो वो आप रखिए फिलहाल इकॉनॉमी को स्किप करके हम नया कॉन्सेप्ट शुरू नया टॉपिक शुरू करेंगे ओके वो होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर में तो कौन सा इकॉनॉमी के बाद सिक्योरिटी ठीक है सिक्योरिटी देख लेंगे तो एनवायरमेंट वगैरह ये सब देखते हैं सो so, इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ख़त्म होगा फिर जून वाला महीना ख़त्म उसके बाद हम जाएंगे मई मई वाले महीने में और फिर अप्रैल का पी टी थ्री सिक्सटी फाइव ओके थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू बाय